काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि में मैं आप लोगों के लिए सीधा उज्जैन के राजा महाकाल जी के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। आप लोग भी आज इस पावन दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके कृपा प्राप्त करें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी तीर्थ स्थलों में इस तीर्थ स्थल को, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र न्यास कहा गया है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। लिंगम के रूप में पीठासीन देवता शिव को स्वयंभू भी माना जाता है, जो अन्य छवियों और लिंगों के मुकाबले शक्ति की धाराओं को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मंत्र शक्ति के साथ स्थापित और निवेशित किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार इस बात पर बहस हो गई कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए विष्णु और ब्रह्मा क्रमशः स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने झूठ बोलने की वजह से ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनका समारोहों में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ये ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च अनंत वास्तविकता है, जिसमें शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी तक मैं महाकालेश्वर जी के इस दर्शन को पहुंचाना चाहता था, जिससे आप लोग भी आज इस दर्शन का लाभ ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।